Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जब भी कोई नया बंदा गेमिंग की फील्ड में आता है या बजट सेगमेंट में होकर अगर आप गेमिंग फील्ड पर आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज आप क्या खरीदते हैं? डेफिनेटली या आप गेमिंग माउस खरीदेंगे या आप गेमिंग कीबोर्ड खरीदेंगे बजट में रहते हुए। तो इस समय दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना चलो यार एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपनी इस वीडियो पे एक चीपेस्ट गेमिंग माउस को फीचर करूं। तो इस चीज को ढूंढने के लिए मैंने अमेजोन खोला और वहां पर जो सबसे चीपेस्ट गेमिंग माउस था उसको खरीद लिया। आज के डेट पर दोस्तों अमेजोन पे जो सबसे चीपेस्ट गेमिंग माउस था वो था टैग का। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार इस गेमिंग माउस को खरीदा जाए और इसका रिव्यू किया जाए। डेफिनेटली ये रिव्यू यूनिट किसी ने मुझे भेजा नहीं है, मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। तो डेफिनेटली जो लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं फ्री का खरीदता हूँ या फ्री का मिलता रहता है इस वजह से पॉजिटिव रिव्यू देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा जेन्युइनली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दैट्स इट। तो चलिए अब देखते हैं और आपको बताते हैं एक सबसे चीपेस्ट गेमिंग माउस खरीदना आपके साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो यहाँ पर मेरे पास एक यूनिट है इसका जिसको मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से और मेरे पास आ चुका है। फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो पैकेजिंग है वो काफ़ी जेनेरिक और चीप है। कोई नहीं यार, चलो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। डेफिनेटली अनबॉक्सिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे साइड में रख देते हैं। बात करें यूनिट के बारे में तो बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब इससे ज़्यादा लाइट माउस मैंने आज तक नहीं देखा न चलाया है। इवन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर जैसे कि अगर आप माउस यहाँ पर रखते हैं और यूं करते हैं तो हवा से भी मतलब ये माउस मूव हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा लाइट माउस है। और बात करें वायर क्वालिटी के बारे में, ठीक है, काम चला हुआ है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। और जो क्वालिटी प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ करी गई है वो भी बहुत ज़्यादा चीप है। अब एक काम करते हैं, इसको अपने सिस्टम पर प्लग करते हैं और कुछ गेम्स खेल लेते हैं, देखते हैं कि ये गेम्स में आपको कैसा एक्सपीरियंस देता है। डेफिनेटली जब आप माउस प्लग इन कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसा जीबी इफेक्ट देखने को मिलता है, हालांकि प्लास्टिक जो है वो अभी भी बहुत चीप लग रही है। एक काम करते हैं, चलो यार कुछ गेम्स खेल लेते हैं और फिर बताते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फर्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करते हैं वो ये है कि इसकी जो DPI है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि आप देख सकते हैं माउस कितनी तेज़ी से भाग रहा है। इवन रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ, आप ये देखिएगा, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हालांकि आप इसको कम कर सकते हैं विंडोज़ की सेटिंग में जाके या गेम्स की सेटिंग में जाके, लेकिन मैं इस कंपैरिजन को बहुत ही फेयर रखना चाहता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कैसा एक्सपीरियंस देता है। ये CS:GO जो है वो नो स्टीम वेरिएंट है जो कि मुझे ठीक ठाक लगता है यार। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसकी DPI है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा DPI है यहाँ पर। CS:GO जैसे गेम्स में तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अनबियरेबल है। दूसरी चीज़ है वो है इसका माउस का वेट, जो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि दोस्तों हो सकता है आपको चलाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो। मुझे थोड़े से हैवी माउस पसंद है तो डेफिनेटली उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा कम है। क्लिक फीडबैक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली क्लिक फीडबैक जो है वो ठीक है। जेनेरिक माउस में ऐसा होता है कि शुरू में जो क्लिक फीडबैक होता है वो अच्छा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ख़राब हो जाता है। इसका कोई भी भरोसा नहीं रहता कि ये कब डेड हो जाए या कब चलता रहे। एक इशू दोस्तों मुझे यहाँ पर और आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो है स्क्रॉल व्हील, एक तो उसमें ज़्यादा ग्रिप है भी नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है एक तो और बहुत अंदर भी है, तो डेफिनेटली स्क्रॉलिंग में भी आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलता है। बाकी इसको यूज़ करने में मुझे और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई है फिलहाल। तो अभी 300 रुपये में दोस्तों भले ही अपनी ये वैल्यू थोड़ी बहुत जस्टिफाई करता हो, अगर आप RGB या थोड़ा बहुत एग्रेसिव लुक की ज़्यादा केयर नहीं करते हैं तो मैं मानता हूँ गेमिंग के अलावा इसमें और कुछ गेमिंग जैसा कुछ भी नहीं है इस माउस में। ना आपको एडिशनल बटन्स मिलते हैं, ना DPI सेंसर मिलता है, और ना ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जो इसको गेमिंग माउस कहलाए। दूसरी चीज़, 300 रुपये में ठीक है, वैल्यू ठीक ऑफर करता है, चीप चाइनीज़ माउस है, आप इससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और बता दूँ, 300 रुपये में और भी अच्छे माउस आते हैं, जैसे कि HP का X900 या HP का X1000 जो कि 250 रुपये में आता है। मैं मानता हूँ वो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा माउस है, थोड़ा वेट भी है उसमें और कंट्रोल भी आपको काफ़ी अच्छे ऑफर करता है, ठीक है। हालांकि फिर उसमें RGB नहीं मिलेगी, ना एग्रेसिव लुक मिलेगा, एटलीस्ट मैं मानता हूँ वो माउस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ही दोस्तों कैमरे में आपको ये माउस जो है वो थोड़ा
अच्छा लग रहा हो लेकिन इन रियलिटी में बताऊँ बहुत ज़्यादा चीप है, और ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। और गेमिंग लैग तो दोस्तों मैं मानता हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। वही अगर आप बजट में हैं और एक बार RGB वाला थोड़ा एग्रेसिव लुक वाला या गेमिंग माउस चलाना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज गिवअवे का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा लाइव इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पे। डोंट वरी, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है मैं उसका रिजल्ट कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा आज रात 10 बजे तक। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, थोड़ा फ्री स्टाइल वाला, थोड़ा फ्रैंक वाला। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।